हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर अपनी फिल्म बंटी और बबली को प्रमोट करने के लिए आई बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ना सिर्फ बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस हैं, बल्कि अब वो यशराज की मालकिन भी बन चुकी हैं। और ऐसे में रानी मुखर्जी ने आकर तेजस्वी को उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है। क्या बोला है रानी मुखर्जी ने तेजस्वी के लिए, चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान रानी मुखर्जी अपनी फिल्म बंटी और बबली को प्रमोट करने के लिए आती हैं। रानी सलमान के साथ जमकर डांस करती हैं। सलमान भी रानी के साथ खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसे में रानी मुखर्जी सलमान के सामने तेजस्वी की तारीफ करते हुए नजर आती हैं। सलमान जब रानी से पूछते हैं कि इस घर के अंदर आपका पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है, तो रानी मुखर्जी कहती हैं कि मुझे तेजस्वी से बात करनी है, मुझे सच में वो बहुत पसंद है। ऐसे में रानी मुखर्जी तेजस्वी को कहती हैं कि तेजस्वी, तुम घर के अंदर जब देखो शैतानी करती रहती हो, तुम्हारी आंखों से नॉटीनेस दिखती है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहती हूँ, तुमको आदि भी बहुत पसंद करते हैं, और मैं अब तुमसे ये कहूँगी कि वंस द शो गेट्स ओवर डू मीट मी, यानी कि जब शो खत्म हो जाए मुझसे मिलना ज़रूर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। जिसके बाद रानी मुखर्जी और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलना अलाउड भी नहीं है। हालांकि मेकर्स इस चीज़ को हो सकता है चॉप कर दें, काट दें, क्योंकि रानी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी को यशराज फिल्म का ऑफर दे दिया है। अगर तेजस्वी प्रकाश को यशराज प्रोडक्शन की फिल्म मिल गई, तो एक बात तो तय है कि उसके बाद तेजस्वी प्रकाश कभी भी पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखेंगी, भले ही उन्हें कोई छोटा ही रोल क्यों ना मिल जाए। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अब ना भूलें।